स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। इसकी कैपेसिटी 5 KVA है और जैसा कि आप इसका मीटर देख रहे हैं, मीटर हमने इसमें 500 वोल्ट तक का यूज कर रखा है। तो यानी ये डबल फेस का वोल्टेज स्टेबलाइजर है, और डबल फेस तो इसे नहीं कहना चाहिए, इसे हम कह सकते हैं कि हम इसे सिंगल फेस और डबल फेस दोनों में ही यूज कर सकते हैं। इसकी रेंज 90 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक है, यानी कम से कम अगर इनपुट में आपके 90 वोल्ट से लेकर ज्यादा से ज्यादा 440 वोल्ट की इनपुट आएगी तो ये हमारा स्टेबलाइजर 200-250 वोल्ट के बीच में आउटपुट देता रहेगा। तो आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल है, देखते रहिए। ये वीडियो खास तौर पर हमारे एक सब्सक्राइबर हरविंदर जी की रिक्वेस्ट पर हम बना रहे हैं, क्योंकि पिछला वीडियो भी हमने 60 वोल्ट की किट के ऊपर बनाया था, माइक कंट्रोलर किट के ऊपर, बट उसमें ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन नहीं बता पाए थे। ये भी किट के बारे में ही हमने बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इसके मेन ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन वगैरह बताएंगे, रिले पर कैसे कनेक्शन करेंगे, इसके सर्किट में कैसे कनेक्शन करेंगे, वो सब बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो प्लीज लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले हम आपको स्टेबलाइजर के अंदर से दिखा देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज किए हैं। तो इसमें आपको देखिए 5 रिले नजर आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हमारी 4 तो वर्किंग रिले हैं और 5वीं रिले हमारी टाइमर और हाई कट के लिए है। और ये साइज रिले जो हम यूज कर रहे हैं इसमें, ये सब 25 एम्पियर 24 वोल्ट की साइज रिले हमने इसमें यूज की है। और इसमें हम जो सर्किट यूज करेंगे, देखिए सर्किट माइक्रो कंट्रोलर सर्किट हम इसमें यूज करेंगे, और बहुत अच्छा सर्किट है। इसके सर्किट के कनेक्शन हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में फिर से बताएंगे ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उन्हें कोई परेशानी ना हो। और ट्रांसफार्मर के बारे में बता देते हैं, ये देखिए ट्रांसफार्मर में हमने जो इसमें यूज किया है, इसमें न्यूट्रल के अलावा 1, 2, 3, 4, 5 लूप यूज की गई है न्यूट्रल को छोड़कर। तो ट्रांसफार्मर से 5 कनेक्शन निकले हुए हैं, हमने इसमें किसी प्रकार का कोई 909 या फिर कोई ट्रिगर ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया है। तो अब इसके कनेक्शंस आपको बताएंगे, ये रिले के कनेक्शंस पहले समझ लीजिए। देखिए रिले पर 2 पॉइंट्स होते हैं कॉइल के, तो हमने क्या किया है, हमारी जितनी भी रिले हैं 5 रिले हैं, 5 रिले का एक एक पॉइंट हमने कॉमन कर लिया है। देखिए एक पॉइंट हमारा कॉमन निकल गया है जो कि सर्किट में कॉमन हो जाएगा, और बाकी हर रिले के दूसरे पॉइंट से एक एक तार हमने सेपरेट निकाल लिया। यानी ट्रांसफार्मर के लूप्स के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए लूप्स की पहचान हम ऐसे करेंगे कि पहली लूप कौन सी है और दूसरी लूप कौन सी है। सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर के अंदर से वायर निकलता है वो न्यूट्रल का वायर कहलाता है, और इसके बाद जो लूप निकलती है वो उसे हम लूप नंबर 1 मानते हैं, यानी पहली लूप मानते हैं, और उसके बाद वाली लूप को हम सेकंड लूप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और लास्ट में जो सिंगल वायर निकलता है वो ट्रांसफार्मर की आखिरी लूप होती है। तो ये इसे समझने का तरीका होता है। अब आपको कनेक्शन बताएंगे इसके कि हम रिले पर इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। इसके कनेक्शन अच्छे समझ लीजिए, जो हमारे ट्रांसफार्मर का पहला वायर निकल कर आया है वो हम इनपुट रिले के एनसी वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, और जो ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर आया हुआ है यानी ट्रांसफार्मर की दूसरी लूप, वो हम इनपुट टू रिले के एनसी वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, और जो तीसरी लूप आई है वो हम आउटपुट रिले के एनओ वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारी चौथी लूप आई है ये हम इनपुट टू रिले और आउटपुट रिले के एनसी वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट कॉमन रहेगा, दोनों रिले का एनसी पॉइंट कॉमन रहेगा, किसी वायर की मदद से हम इसे आपस में कॉमन कर देंगे। और इसके बाद में हमारा ये जो आखिरी वायर बचा ट्रांसफार्मर का, ये हम इनपुट 3 रिले के, देखिए इनपुट 3 रिले है ये, जिसे एक्स्ट्रा 2 रिले भी बोल सकते हैं, इसके हम एनओ वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इसका हम आपको एक डायग्राम भी बनाकर इस वीडियो में दिखाएंगे, तो अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा है तो आपको डायग्राम की मदद से आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम इसे इस पर टाइट कर देते हैं, टाइट करने के बाद सर्किट कनेक्शन भी करेंगे, फिर आपको चेक करा के बताते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। इस किट को आप डबल फेस के स्टेबलाइजर में 90 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसे सिंगल फेस के वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करना चाहें तो हम 60 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसी किट को यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी किट है, अगर आपने यूज नहीं किया तो इसे एक बार यूज कीजिए। इस ट्रांसफार्मर के सारे वायर हमने रिले पर कनेक्ट कर लिए हैं, सारे रिले पर कनेक्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम सर्किट में जो रिले की कॉइल के वायर हैं वो सब कनेक्ट करेंगे और प्लस इसमें इनपुट देंगे। खैर आपको एक बार फिर से बता देते हैं इस किट के कनेक्शंस, बाकी पिछले वीडियोस में भी बता रखे हैं, 2 वीडियो बना रखे हैं इस किट के ऊपर, तो इसमें एक बार फिर से आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले हम इसमें इनपुट सप्लाई देंगे। ये हमारी इनपुट सप्लाई आ जाएगी यहाँ पर, ये तकरीबन हम
22 वोल्ट या 24 वोल्ट इनपुट सप्लाई यहाँ पर दे देंगे, जो कि मेन ट्रांसफॉर्मर से आएगी, हमें 909 वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। उसके बाद देखिए लिखा है कॉमन, तो यहाँ पर रिले का कॉमन वायर आ जाएगा, रिले कॉयल का जो आपको पहले बताया था। इसके बाद लिखा है P3, तो यहाँ पर इनपुट 3 रिले का कनेक्शन आ जाएगा। P2 यानी इनपुट 2 रिले का कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। P1 यानी इनपुट रिले का कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। इसके बाद लिखा है OP यानी आउटपुट रिले कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। और ये लिखा है कट, यानी जो हाई कट और टाइमर वाली रिले है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब आपको रिले में भी बता देता हूँ कि P1 या P2 रिले कौन सी है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ये देखिए जो P3 रिले बता रखी है, तो P3 रिले हम इसे मान लेंगे, जो एक्स्ट्रा 2 रिले हमारी, तो ये P3 रिले होगी। उसके बाद P2 रिले दूसरे नंबर की जो रिले है हमारी, और P1 यानी जो हमारी इनपुट रिले है, और आउट यानी जो आउटपुट रिले है, और टाइमर रिले हमारी इसी वाली होगी, लास्ट वाली। तो ये इसके कनेक्शन है, इसे कनेक्शन इसमें कर लेते हैं। और ये देखिए ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आई है, ये सप्लाई हम इसके सर्किट की इनपुट सप्लाई दे देंगे। इसमें देखिए दो सप्लाई निकली हुई है, बट हम केवल एक ही सप्लाई यूज करेंगे, जो वोल्टेज मैंने आपको बताएं वही वोल्टेज हम इसमें यूज करेंगे। चलिए किट इसमें कनेक्शन करते हैं किट के, उसके बाद इसे चेक करते हैं। देखिए सर्किट के सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं। इसे सर्किट को हमने ट्रांसफार्मर की सप्लाई से और रिले की कॉइल से कनेक्ट कर लिया है। अब समय है इसे चेक करने का, टेस्ट करने का कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो फिर चेक करते हैं इसे। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दें आपको कि ये हमने एक वोल्टमीटर स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगाया है, ताकि आपको वोल्टेज समझने में आसानी रहे। तो चलिए अब इसे ऑन करते हैं। बैजेक से थोड़े थोड़े वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये देखिए इनपुट वोल्टेज आपको दिखा दें। देखिए इनपुट वोल्टेज जो है इसमें तकरीबन 100 वोल्ट के आसपास हो गए। आउटपुट अभी 0 है, क्योंकि टाइमर इसका ऑन, देखिए अब टाइमर इसका अब ऑन हुआ है। अब देखते हैं ये आउटपुट, ये 220 वोल्ट दिखा रहा है। अब वोल्टेज बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके परफॉर्मेंस कैसी आती है। ये देखिए सर्किट हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, 200-250 वोल्ट के बीच में काम कर रहा है। इसे हमें सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए अभी आपको इनपुट वोल्टेज दिखा देते हैं। ये देखिए इनपुट वोल्टेज हमारे लगभग 400 वोल्ट के आसपास है। अभी वोल्टेज और बढ़ाते हैं। ये देखिए 440 वोल्ट इनपुट हो गई, और आउटपुट वोल्टेज इसकी अभी भी 240 वोल्ट है। ये देखिए, तो ये स्टेबलाइजर हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको आउटपुट और इनपुट दोनों मीटर आसानी से इस एंगल से दिखेंगे, समझने में आपको आसानी रहेगी। ये देखिए इनपुट, और ये देखिए आउटपुट, एक बार फिर से देखिएगा। ये देखिए 440 वोल्ट इनपुट, आउटपुट अभी भी 250 वोल्ट है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको अगर हमारा वीडियो में कुछ कमी लगी हो या फिर आप कुछ और चाहते हो। और बाकी आपको सर्किट की सेटिंग के बारे में एक बार और बताना चाहूँगा। देखिए इसमें सेटिंग करने के लिए केवल एक ही प्रीसेट दे रखा है। इस प्रीसेट की सहायता से ही हम इसके सारे कट सेट करेंगे, यानी हम इसका कोई भी एक कट सेट कर देंगे एक बार में। यानी पहला कट हम 250 वोल्ट पर सेट कर देंगे, तो बाकी इसके सारे कट और हाई कट और टाइमर सब कुछ सेट हो जाएगा। हमें कुछ ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है सर्किट के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।